बेबी का मेकअप। बहुत समय पहले किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेबी नाम की 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर मम्मी गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की चीज है, इसीलिए तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। मम्मी के ऐसा डांटने पर बेबी मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। ठीक है बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन बेबी सुबह जागकर जल्दी से तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी आप तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह बेबी खुशी से मम्मी को मेकअप करते देखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने अपना हैंडबैग उठाया और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और बेबी कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे बेबी की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर से लग रही है। वो दोनों कुछ कदम आगे चले तो एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की मम्मी से बोली, टीचर मैं बंटी की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। बेबी की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से चली गई। बेबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बेबी मम्मी को लेकर सीधे अपने टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा, वो भी उनके मेकअप की बात करने लगी। बेबी की मम्मी आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। तभी बेबी ने उन्हें याद दिलाया, टीचर आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। हाँ याद आया, आइए मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद टीचर ने मम्मी को बेबी की रिपोर्ट दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर बेबी सोचने लगी। तभी उसी एक आइडिया आया। आइडिया, मैं मम्मी से छिपकर मेकअप करूंगी और फिर मम्मी को अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाकर सरप्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मम्मी रसोई में काम कर रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में रखती हैं। उसने दराज खोला और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। आज मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन सब कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखे
काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट है, इसे मम्मी रोज अपनी आंखों में लगाती है, मैं भी इसे जरूर लगाऊंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल पलकों की जगह उसकी आंख में लग गया, इससे उसकी आंख जलने लगी। आह, मेरी आंख, काजल मेरी आंख में चला गया। वो दौड़कर बाथरूम में गई, उसने आंखों में पानी डाला, इससे काजल और बाकी मेकअप भी उसके मुंह पर फैल गया और उसकी दोनों आंखों में चला गया। आंखों में जलन के कारण वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। बेबी के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना? सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसे तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुंह और आंखों को ठीक से साफ किया, फिर उसे समझाते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है, छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी, और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी। इस तरह बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए, और बड़े होने पर भी मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। क्लास मॉनिटर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल की पहली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने चिंकी को अपने पास बुलाया। चिंकी, मेरे पास आओ। स्टूडेंट्स, चिंकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और वो स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं चिंकी को क्लास का मॉनिटर बनाती हूँ। लेकिन टीचर, मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर नहीं बनी, इसीलिए मुझे मॉनिटर बनना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ओके टीचर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। अब वो टीचर के सामने वाली सीट पर बैठने लगी। टीचर को कुछ भी काम होता तो वो चिंकी को ही बोलती। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बनकर खुश थी। फिर एक दिन टीचर ने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से प्रिंसिपल सर के ऑफिस जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट शोर ना करे। ओके टीचर। ये कहकर टीचर क्लास से चली गई। लेकिन टीचर के जाते ही सभी स्टूडेंट्स शोर करने लगे और फिर सभी बच्चे एक जगह जमा होकर जोर जोर से बात करने लगे। तुम्हें पता है, कल YouTube के पुनटुन किड्स चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। मैं तो रोज पुनटुन किड्स के कार्टून देखता हूँ। सभी को इस तरह से शोर करते देख चिंकी ने उनसे कहा, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन किसी ने भी चिंकी की बात नहीं सुनी और सब ऐसे ही शोर करते रहे। तभी टीचर वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? टीचर को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर गए और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चिंकी, मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना? सॉरी टीचर। ऐसा ही और भी कई बार हुआ। फिर जब एक दिन फिर से टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। टीचर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। चिंकी, अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना,
बस उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। वापस आकर मैं उस स्टूडेंट को खुद पनिशमेंट दूंगी। ओके टीचर। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और उनके जाते ही स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मस्ती करने लगे। लेकिन इस बार चिंकी ने किसी को कुछ नहीं कहा और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। कुछ समय बाद टीचर क्लास में लौटी तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। जिस जिस के नाम बोर्ड पर लिखे हैं, वो स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ, इसलिए अब टीचर की पनिशमेंट के डर से स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब कोई भी स्टूडेंट चिंकी से बात भी नहीं करता था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम हमारा नाम बोर्ड पर लिख देती हो और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती है। चिंकी क्लास में अकेले रहने लगी। क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। क्या हुआ चिंकी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई और फिर उनसे कहा, मम्मी मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनना, मैं कल ही टीचर से कहूंगी कि वो किसी और को क्लास मॉनिटर बना दे। लेकिन चिंकी तुम तो क्लास मॉनिटर बनकर बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। चिंकी तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इस प्रॉब्लम का कुछ और सलूशन निकालना चाहिए। याद रखो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी, तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन जब टीचर क्लास से बाहर गई, तो चिंकी ने सभी स्टूडेंट से कहा, मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखती हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए तुम सब मुझसे बात नहीं करते। लेकिन मुझे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुम सब बिना शोर मचाए धीरे धीरे बात करोगे तो मैं किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। सभी को चिंकी की ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ चिंकी, ये आइडिया सही रहेगा, इससे हम बात भी कर सकेंगे और किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। इस तरह चिंकी के आइडिया से चिंकी क्लास की मॉनिटर भी बनी रही और सभी स्टूडेंट्स फिर से उसके दोस्त भी बन गए। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है, तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था, उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था, वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है, एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने, हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट, एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की, फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू
को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहां अब किसी की सुनने वाला था, वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से दो लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग जीवन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है, अगर सारे जवाब सही दिए तो जीवन की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए, वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू कल चिंकी का बर्थडे है, इसलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जम कर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई, चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा।
और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ। बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं। मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है, अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी।
ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से चार पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने चार की जगह पांच पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या, तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry, मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।